फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नमस्ते इंग्लिश के न्यूज सेशन में, जहां पे हम अलग अलग प्रकार के ग्रामर टिप्स सीखते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूज। आपके सामने न्यूज है और आज जो हम जानेंगे वो है वाइल के बारे में। वाइल बहुत बार यूज करते हो आप अपने घरों में इसका बोलते वक्त, तो आज जो है वाइल का यूज करना सीखेंगे। तो इसलिए स्टार्टिंग टू द एंड देखिएगा, वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। साथ ही साथ एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूंगा, अगर आप लोग फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना चाहते हो तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए हमारा अनलिमिटेड अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे आप बोल कर प्रैक्टिस करके अंग्रेजी सीखते हो। तो देर किस बात की, ज्वाइन कीजिए जल्दी से अनलिमिटेड अकाउंट। चलिए अब आ जाते हैं अपने न्यूज पे और बात कर लेते हैं वाइल के बारे में। तो न्यूज क्या है कि टाटा मोटर राइड्स अहेड Hyundai टू बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट सेलिंग कार मेकर इन इंडिया। टाटा सेल्स टूड एट 35,300 यूनिट्स वाइल Hyundai सोल्ड 32,312। तो ये कहा जा रहा है कि अब जो अगर कार की बिक्री की बात करें तो टाटा जो है वो सेकंड नंबर पे आ गया है और इन्होंने 35,300 यूनिट्स बेची है और इन्होंने 32,312 यूनिट्स बेची है। तो ये कहना है यहाँ का, मतलब रिपोर्ट्स का। तो ये न्यूज है। आ जाती है अपने मेन काम पे वाइल के बारे में, ठीक है। तो वाइल क्या है? वाइल तो है एज अ, मतलब एक कंजक्शन के रूप में यूज किया जाता है। आप देखोगे इसको भी मैं बताऊंगा। और वाइल का जो मतलब होता है वो होता है जबकि, है ना, जबकि। जैसे कि एग्जांपल देता हूं तब ज्यादा क्लियर होगा। मैं पढ़ रहा था जबकि मेरी बहन सो रही थी। तो आराम से जो है आप इसका ट्रांसलेशन करोगे, बट उससे पहले देखो, मैं पढ़ रहा था जबकि, तो अलग अलग सेंटेंस है कि नहीं? मैं पढ़ रहा था एक अलग सेंटेंस हो सकता है, जबकि इसको अगर हटा दें तो मेरी बहन सो रही थी, अलग अलग सेंटेंस है। कंजक्शन से दोनों को जोड़ा गया, देखिए जबकि लगा के। तो इस टाइप से जो है वाइल का यूज किया जाता है। आपने कंजक्शन देख लिया, जबकि किस सेंस में यूज हुआ वो भी देख लिया। आइए ट्रांसलेशन कर लेते हैं हम। तो मैं पढ़ रहा था तो आई वॉज, अब किताब पढ़ रहे थे तो आई वॉज रीडिंग, या फिर आई वॉज स्टडिंग आप कह सकते हो, बट ठीक है, I was studying आप कह लो, ठीक है, I was studying या reading, अब book आप कह सकते हो अगर वहां पे आप जोड़ना चाहते हो। मैं एक किताब पढ़ रहा था अगर आप करना चाहते हो, तभी स्टडिंग नहीं यूज करोगे आप, तब आप बोल दोगे रीडिंग। तो रीडिंग ही मैं कर देता हूँ ताकि वो ज्यादा ईजी लगेगा आप लोगों को। तो आई वॉज रीडिंग अ बुक, ये ज्यादा रिलेट कर पाओगे इसलिए किताब वाला यूज कर लेते हैं। तो आई वॉज रीडिंग अ बुक जबकि while जबकि मेरी बहन सो रही थी, while my sister was sleeping, ठीक है, while my sister was sleeping। और अगर आप सिर्फ ये कह रहे थे कि मैं पढ़ रहा था तो I was studying while my sister was sleeping, आप वैसे भी बोल सकते थे अगर आप ये ना जोड़ते तो, क्योंकि पढ़ना एक अलग चीज होती है और किताब पढ़ना एक अलग चीज होती है। किताब पढ़ने के लिए रीड का इस्तेमाल किया जाता है, मैंने आपको कई बार बताया अपनी पिछली वीडियोस में भी, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा इस टॉपिक को, मैंने आपको अच्छे से समझाया। वाइल का यूज यहाँ पे हो चुका है एज अ कंजक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे इस वीडियो का एंड। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर छोटी सी भी जानकारी अगर आपको पता चली इस वीडियो से तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा ताकि ये नॉलेज बाकियों तक भी पहुंचे, शेयर भी कीजिएगा उन तक इस वीडियो को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे अहेड, कीप स्माइलिंग, थैंक यू। और जाते जाते फिर से एक बार ज्वाइन करना मत भूलिएगा हमारा अनलिमिटेड अकाउंट। थैंक यू।